हाँ भाई, क्या चल रहा? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं चल रहा, AI चल रहा है। कल मैंने तुम्हें जोकर भैया का दिखाया, क्या कमीने लोग हैं यार। मैं मजाक में बोला था, तुम्हें को सच में लगने लग गए। मुनव्वर की जनता कमीनी है और बदतमीज भी बाद में आऊंगा। पहले ये बताओ, ये करने की क्या जरूरत थी? बेटा सल्लू, आज तो दिल खुश हो गया, इतने समय बाद एक खुशी मिली है। शुक्र है ये अंकिता छपरी नहीं जीती। मेरे को जेन्युइनली, मैं पढ़ा, मैंने म्यूट रहता ना ट्विटर पे, क्यूट आंटी ऑन अर्थ पढ़ा, मेरे को लगा कुछ स्नेपट होगा उसका जो हुआ था वहाँ पे। मैंने पहली बार सुना, मेरी हंसी छूट गई। मैं कहा लोखंडे, हर जगह से लोखंडे हो रही है। मैंने पाखंडे रखा था, वो सच में लोखंडे लग रहे हैं उसके। कल मैंने तुम्हें नेवले का AI दिखाया, अब मेरे को सलमान खान का मिल गया। सलमान खान, और ये जेन्युइनली दिल से आ गया मेरे। क्या करवा रहे हो तुम? सल्लू भाई तक पहुंचेगा, क्या इज्जत रहेगी मुन्नोवर की? ये तेरी पब्लिक। कैटरीना, ऐश्वर्या, हमारा कितने ब्रेकअप हुए यार, हम कितना रोए हैं। ये सोशल मीडिया पे चलता है ना, सलमान खान सिग्मा मेल, ये दूर रहता है लड़कियों से। जब रात को सोने जाता हूँ ना, तब अकेला होता हूँ, मेरे भी इमोशंस हैं, मेरा भी खड़ा होता है मगर। लेकिन सलमान, आप तो फार्म हाउस में बुला लेते हैं। बिग बॉस बेटे, तू बाहर। सबसे बेस्ट पार्ट है, इंदिरा भी खड़ा होता, लेकिन सलमान आप तो फार्म हाउस में बुला ले। अरे बिग बॉस, इतना सच नहीं बोल रहा था भाई। इस पर इतना हंसा हूं ना मैं, बाड़े में गया, सल्लू तक पहुंचे, किसी तक पहुंचे, मजा आया। इसमें तो मजा आया तुम्हें, मजा आया। बट बदतमीजी वाले पार्ट पे आने से पहले दो चीजें दिखाना चाहूंगा। पहले तो तुम्हें मतलब एक क्लिप देखी थी मैंने, जहाँ पे मुन्नवर को कन्फेशन रूम में बुलाया था और उससे पूछा था आपकी प्रायोरिटी में कौन कौन लोग है, जहाँ पे उन्होंने तीन लोगों के नाम लिया। मुन्नवर ने तीन लोगों का नाम लिया, अंकिता, नकली कुमार और नागिन हंडा। लोखंडे के तो लोखंडे लगा रखे हैं, हर कोई बजा रहा है, हर कोई, चाहे वो चालाक लोमड़ी हो, वो भारती के पॉडकास्ट में जाके लगा रही है। आपको लगती है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है मेरे से ये गलती हो गई, मतलब थोड़ा रोना था मुझे वहाँ शो में, थोड़ा मेरे को रो लेना चाहिए था, मैं शायद टॉप 5 में होती, पर ठीक है कोई बात नहीं। वो जो मैंने आंसू नहीं गिराए ना चार अपने, वही दिक्कत हो गई। चाहे ये दोनों हो, अभी बिग बॉस आया उसमें कहता था भाई आप टॉप 5 में पहुंच गया, मैं तो उसमें शॉक था। अब टॉप 4 की बात करो, मैं कहा नागिन हंडा भी लगाई जा रही है। अरे ऐसा कोई नहीं जिसने छोड़ा है सिवाय नील भट्ट के, क्योंकि वो बोलता ही नहीं कुछ उन दोनों के बारे में। बट अभिषेक कुमार भाई, नकली कुमार क्यों बोलता है उसको? उसको बोला कि दोस्त है, एंड में अच्छी गाजी थी, मैं भी रिस्पेक्ट दे रहा था और सपोर्ट तो मेरा था ही, सही दिया मैंने सपोर्ट, तभी नहीं जीता साला। एग्जिट इंटरव्यू में वो क्या बोला सुनो जरा। उसकी फैन फॉलोइंग को बीट करना मुश्किल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर गेम की बात करें तो मैंने ज्यादा देखा, ठीक है, जो मुझे भी फील हुआ और बाहर निकल के भी लोगों ने फीडबैक दी थी, तू डिजर्व करता था। बट वो फैंस की वजह से जो इसके पहले से ही हैं, जो कि उसने खुद से ही कमाया ऑब्वियसली, उसकी वजह से तू आ रही है। बट अगर गेम की बात की जाए तो तुमने बैकअप भी लिया। तुम पहुंच गए उसकी लंगा लगाने के लिए, उसके लोखंडे लगाने के लिए, भाई के स्टेटमेंट चेंज हो गए। ऐसा होता है कि मैं एक कॉम्पिटिशन में गया था पर मैं हार गया, मेरे पापा मुझे मारे ना कि तू जीत के क्यों नहीं आया। मजाक में तो मैं ऐसे बोला था कि कल तक तो मैं पास था, पता नहीं मेरे को टीचर ने, मुझे लगता है जितवाया नहीं, ऐसा वो वर्डिंग्स थे ऐसे। जब मुझे अब भी याद आया कि मतलब इस टाइम ऐसा हो रखा है कि छोटा सा भी इधर उधर बोल दो या नॉर्मली भी मजाक कर दो तो वो फन थोड़ा गलत चला जा रहा है। बट ऐसा कुछ है नहीं, मुनावर ऑब्वियसली डिजर्विंग था, तभी उसको वोट्स आए और वो जीता, और मैं बहुत खुश भी हूँ कि वो जीता है। भाई साहब क्या 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 सुनाया होगा तुमने भाई को क्लेरिफाई। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब था भाई। मैं अगर तुम्हें दोस्त मान रहा हूँ, और अभी तक जितने भी इंटरव्यू तुम देखोगे मुनव्वर के, उसमें उसने किसी की बुराई नहीं करी, किसी की भी नहीं, एक बुरा शब्द नहीं बोला। और वो बोलता है कि हाँ अगर मैं नहीं जीतता, अभिषेक जीतता, मैं इतना बुरा फील नहीं करता। बट ये दोनों साले हर इंटरव्यू में नागिन हंडा नहीं मेरा दोस्त है, बट ये। अरे साले जिंदगी में ना अगर मैं ऐसी पर्सनैलिटी रखता हूँ तो मुनव्वर जैसा दोस्त मैं डिजर्व नहीं करता, सिंपल सा बोल रहा हूँ, लीव अ लाइक ऑन दैट। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। इस पे झाड़ खाने वाली बात है ये, और तुम्हें देनी भी चाहिए, इस पे झाड़ो, मैं मना नहीं करता। बट पकौड़ो तुम डायन खान और नाजिला को गाली क्यों दे रहे हो, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब एक जगह पे तुम मुनव्वर की जनता बन के चल रहे हो, रिस्पेक्टफुल है क्योंकि वो बंदा काबिल है, मतलब जिस बंदे के नाम पे जनता बनी पड़ी है वो बंदे का कैरेक्टर ये है। मतलब गलती से उसे पता नहीं था पीछे सिक्योरिटी गार्ड है, उसको लग गया भाई, उससे पूछ रहा है उसके बारे में। ये होता कैरेक्टर दिखाना कि हाँ भाई मैं केयरिंग हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, हम्बल, डाउन टू अर्थ, इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं डाउन टू अर्थ हूँ और मैं रिस्पेक्टफुल हूँ।
ठीक है जिसने मेरा बुरा किया, कितना बुरा किया तुम्हें क्या लगता है, उसको पता नहीं चलेगा, सब देखेगा, सब कुछ पता रहेगा। बट अगर उसने दोस्ती करी है, चाहे वो लॉकअप का सीजन हो चाहे बिग बॉस का सीजन हो, ये हमने देखा है वो कांस्टेंट रहा है। अगर उसने दोस्ती किया तो उसकी निभाई है, छोड़ दो, मत दो गालियां। अभी इतना बोल दिया मैंने कि तुम बदतमीज हो, अब देखो थोड़ी देर में मैं ही झाड़ने वाला हूँ डायन खान को, क्योंकि तुमने गालियां दी, ठीक है वो गलत बात है, मैं बोल रहा हूँ पूरा प्रॉपरली गलत है, इसमें तुम गलत हो, इसमें मुनव्वर की जनता प्रॉपरली गलत है। बट इसके बाद डायन खान ने एक स्टोरी डाल दी, देखो अब ये मुद्दा है, इस पर मैं झाड़ सकता हूँ, बट जो अब शो के जो शो खत्म हो गया उसमें क्या ही बोलना उसको, बट तुमने गाली दी तुम गलत थे। बट इसके बाद उसने स्टोरी डाल के बोला मेरी मेंटल हेल्थ का इफेक्ट नहीं होता इन चीजों से, मैं पकौड़ी गूंगा बोल रहा है, तू मेंटल हेल्थ की बात मत करियो मेरे से, कत्ते ही नहीं मैं तो मेंटल हेल्थ सोच के कुछ, तू आई थी तेरे को नहीं मालूम था उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या जाएगा, तूने अगर केयर नहीं करी शो में घुसने से पहले, अभी तू चाहती है कि दुनिया समझे तेरी बात, जब तू उसकी नहीं समझी तो हम तेरी क्यों समझे, इस पे तो गाली खाने वाली बात कर रही है तू और खाएगी, रिएक्ट मत कर सिंपल। तुझे क्या लग रहा था, तुम दोनों लड़कियों को क्या लगा था उस टाइम में, हजार चीजें निकाल के जिसका कोई प्रूफ नहीं निकाला तुमने आज तक, जब शो चल रहा है तुम डाल के उसकी इमेज डैमेज कर रहे थे, उसकी जो रिस्पेक्ट है वो डैमेज कर रहे थे, जो इमेज है वो हम कर रहे थे, तुम्हें क्या लगता है एक आइसोलेशन के टाइम में उसे इतनी सारी चीजें बोली जा रही है और वो शांत बैठा है, क्यों? क्योंकि वो लोगों की रिस्पेक्ट करता है, वो नहीं चाहता नेशनल टेलीविजन पे उनका नाम उछाला जाए, वो लोगों के चक्कर में शांत बैठा था, अगर वो चाहता तो धज्जे नहीं उड़ा सकता था, और सोसाइटी हमें मालूम है बट उसे थोड़ी मालूम है कि बाहर क्या चल रहा है, वो तो टेंशन में है ना कि भैया लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, मैं तो कैरेक्टरलेस बन रहा हूं, उसी चक्कर में तो इतना तड़पा है बेचारा, वो उस टाइम तेरे को समझ में नहीं है उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में, तूने ये कितनी बार बोला मैं तो मेंटल हेल्थ की सोच के नहीं बोल रही हूँ, उसके बाद तूने इतना लंबा चौड़ा स्पीच दे दिया था मोनोलॉग, तब तेरे को याद नहीं रहा अरे मेंटल हेल्थ नाम की चीज होती है, चलो उसका बीपी लो कर दिया तूने, अब तू बात कर रही है वो भी टेक्स्ट में गाली खाने पे, रियल में मिलती मैं सच में गाली दे देता, मेरा कोई रूल नहीं है लड़का या लड़की, मैं दोनों को इक्वल रखता भाई, बट गालियां देना बंद कर दो यार, सीरियसली बोल रहा हूं मैं, रिस्पेक्ट के लिए मुनव्वर की क्यों बदनाम करना, वो बोलेंगे साले जानबूझ के कर रहा, अभी अभिषेक मलहन के साथ भी तो वही चलता रहता है, उसके फैन जाके बबीता डायन को गाली देते हैं, बबीता डायन अभिषेक को ब्लेम करती है उसके लिए करता कोई भी है, फंसता वही बंदा जिसका नाम है, जिसकी ऑडियंस है, जिसका फैंडम है, अभी गाली देने ना उन लोगों को दो जो इनके फैंडम्स हैं, एक्चुअली चल तो वही रहा है सारे फैंडम वर्सेस मुनव्वर की जनता, अबे इन बंदों को गाली देके कोई फायदा नहीं है सीरियसली, ये ब्लेम कर देंगे मुनव्वर को और ये आप लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, बस हाईलाइट होना चाहते हैं और कुछ नहीं है, हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल, इसके अलावा कौन झड़ गएगा मिलते हमारी चलाक लोमड़ी, चलाक लोमड़ी पता नहीं क्यों मुंह खुल के इतना हग रही है, अभी किसी कहीं पे इंटरव्यू दिया उसने, उसमें बोल दिया मेरा अलग था मुनव्वर से, मुनव्वर का नहीं पता मेरे को पूरा, बट मेरा अलग था, मैं अभिषेक से अलग होने के बाद समर्थ के पास गई, मैं कही एक मिनट, चोमो चिंटू ने क्या बोला कि उसके पास गर्लफ्रेंड थी, उस बीच में तू घुसी, उसके चक्कर में उसने उससे ब्रेकअप किया क्योंकि वो तेरे से टू टाइमिंग कर रहा था, कैसे अलग हुआ उसको स्टैंड बाय पे नहीं रख दिया उस तीसरी वाली को तुमने, कैसे अलग हुआ चलाक लोमड़ी, साली लोखंडे को झाड़ रही है लोखंडे पे रहे, मुनव्वर पे जाने की जरूरत नहीं, तेरे लोखंडे लगा देंगे हम, अभी मना किया गालियां मत देना, फिर ऐसी बातें करोगे तो मैं रोक भी नहीं सकता तुम्हें, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, और ये उसके रिश्ते के बारे में टिप्पणी करने के बाद मुनव्वर ने कुछ भी किया मुझे नहीं मालूम, बट मुनव्वर है बहुत अच्छा, अबे तेरे को जोकर की ऑडियंस नहीं मिली, तेरे को लगता है ये बोलने के बाद तेरे को मुनव्वर की जनता मिलेगी, साइक पागल है क्या, बोलो भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा जेठालाल, पागल तुझे अक्कल है, चल एक तरफ कहते हैं शो में कुछ नहीं किया, दूसरी तरफ डोंगरी छोड़ो जहां भी जा रहा है लोग पागलों की तरह पहुंच जा रहे हैं उसको मॉब करने के लिए, आर्टिकल छप रहे हैं भाई मुनव्वर फारूकी मॉब्ड, वो घूमता भी ऐसे ही है ना बिना सिक्योरिटी के, कोई भी आके मिल सकता है भाई, डाउन टू अर्थ वहां पे नागिन हांडा फिर प्रियंका चोपड़ा से 2 घंटे बात करिए, टाइमिंग मत बता, वो मेरे को अंडरस्टैंडेबल था क्योंकि ये बोलना शुरू करेगी चुप तो रहेगी नहीं, प्रियंका चोपड़ा कह रही मेरे को तेरी पूरी जर्नी पता है, मैं कहा तो फिर शर्म के मारे चुल्लू पर पानी लाओ साला, मैं खुद हिपोक्रेट लग रहा हूँ तुम्हें बोल रहा हूँ गालियां मत दो, यहाँ पे मैं ही झाड़ रहा हूँ सबको बैठ के कहती प्रियंका चोपड़ा कहती तुझे पैसे भेजू पैसे की बात कहाँ से आ गई यहाँ पे,
शो में मिले नहीं क्या? और भाई साहब अंकिता लोखंडे पूरे सीजन बोलती रही ना कि मैं तो अपने पति नेवले के लिए आई हूँ, पति देव। अभी पता चला उसकी मूवी आ रही है। मैं कहा देखो निकले हुए 2-3 दिन हुए हैं, तूने एक एग्जिट इंटरव्यू नहीं दिया, बिग बॉस में भी वो नहीं आई, पब्लिक इंटरव्यू दे ही नहीं रही, घर से बाहर वो निकली ही नहीं, पार्टी घर के अंदर ही चल रही है। और वो बिन पैदने का लूटा नवेद, वो हर पार्टी में मिल रहा है। अंकिता लोखंडे के साथ वीडियो आई हुई है, नील भट्टेश्वरिया के साथ वीडियो आ रखी है। भाई कितनी पार्टी कर रहा है नवेद, तुम्हारे घर में पार्टी है, मैं आता हूँ। अबे क्या कुछ भी, बाकी अगर जो भी था आज आखिरी था, अगर कल मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग लगा मुनव्वर से रिलेटेड तो ही मैं आऊँगा, वरना फिर मैं मिलता हूँ WPL में।